दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच एक घमासान युद्ध होते होते रह गया, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया भर में कई सारे मिलिट्री कमांड सेंटर बनाकर रखा हुआ है, जहां से इनके एयरक्राफ्ट आसपास के समंदर में नजर रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों साउथ चाइना सी में अमेरिकन RC-135 सर्विलांस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जिसका मेन मकसद साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवी पर नजर रखना। लेकिन देखते ही देखते चाइनीज एयरफोर्स बेस से J-11 भी टेक ऑफ करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, J-11 रशियन Su-27 का कॉपी वर्जन है, जिसमें सुखोई के सभी एयरफ्रेम और इंजन लगे हैं, और यह एक फोर्थ जनरेशन फाइटर माना जाता है। लेकिन यह फाइटर जेट अचानक से अमेरिकी सर्विलांस एयरक्राफ्ट RC-135 के सामने आकर खतरनाक मैनूवर करने लगता है, जो 4 की संख्या में एयर टू एयर मिसाइल अपने साथ कैरी करा हुआ था। ऐसे में अगर चाइनीज फाइटर इन मिसाइल को लॉन्च कर देता तो अमेरिकी पायलट का बचना असंभव था। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट का बीच का फासला केवल 10 फीट रहा है। अब चाइना साउथ चाइना सी में अमेरिका जैसे देशों पर भी अग्रेसिव होने लगा है, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया परेशान है।